पुरानी मंडी स्थित एक क्रॉकरी की दुकान में मंगलवार रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग से करीब 7 से 8 लाख रुपए के नुकसान होने का अनुमान है। कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार हादसा पुरानी मंडी में स्थित कस्तूरी साड़ी सेंटर के निकट कृष्णा क्रॉकरी की दुकान में हुआ है, जिसके संचालक किशन लाल है। रात को किसी व्यक्ति ने दुकान से तेजी से धुआं निकलते देख दुकान में आग लगने का संदेह किया था, जिसने फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस थाने के ASI विष्णु प्रसाद तुरंत मौके पर पहुंचे। कुछ देर में फायर ब्रिगेड की 2 टीमें भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना ये मिली थी पुरानी मंडी कस्तूरी साड़ी के पास में लॉर्ड कृष्णा क्रॉकरी की दुकान है, वहाँ पर आग लगी है। और हमारे को पता था कि ये पतली गलियों के अंदर है, तो फायर ब्रिगेड को ये बताया कि छोटी गाड़ी भिजवाएं, और फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियाँ भिजवाई, छोटी और एक मीडियम। और मीडियम को भी आने में दिक्कत आई, क्योंकि दुकानदारों ने ऊपर छज्जे जो है लगा रखे हैं। आग पे काबू पा लिया है, स्थिति कंट्रोल में है। दुकानदारों को बुलाया है आसपास उसकी दुकान वालों को कि भाई अपनी दुकानें चेक करो, उसमें तो कोई आग वाग नहीं है, और उसकी तसल्ली के बाद में इस गाड़ी को रवाना करें। अनुमान नुकसान कितना अनुमान जो है बता रहे हैं भाई, 7 से 8 लाख का जो है नुकसान बता रहे हैं। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10th, 9773-26213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह, सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।